यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठी के पाठ 8 जब एक लड़की जीतती है, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था। एक साक्षात्कार विधा है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इसमें जो विनेश फोगाट है, जो कि एक कुश्ती चैंपियन है, तो उनसे एक साक्षात्कार हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था, उसके ऊपर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है। तो उसमें उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उन्होंने किस तरीके से जवाब दिए थे और उनके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आई थी, वो सारी हमें इसमें चैप्टर में पढ़ने को मिली है। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर। देखिए पार्ट 8, जब एक लड़की जीतती है। इसके शब्दार्थ हैं दिलचस्पी यानी कि रुचि, उस्ताद यानी कि अध्यापक या शिक्षक, हौसला, मनोबल, उत्साह है या फिर साहस। नेक्स्ट देखिए सम्मान। सम्मान का मतलब होता है आदर। ऐतराज यानी आपत्ति करना या फिर विरोध करना। नेक्स्ट देखिए कान न धरना, न सुनना, ध्यान न देना। कन्या, पुत्री, लड़की। तालमेल, संतुलन, दाखिला, प्रवेश या अंदर जाना। अब देखिए हम पढ़ते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। विनेश ने कुश्ती की ट्रेनिंग किससे ली थी? विनेश ने अपने ताऊजी से कुश्ती की ट्रेनिंग ली थी, है ना? तो उन्होंने कुश्ती की ट्रेनिंग किससे ली थी? अपने ताऊजी से ली थी। तो उनके ताऊजी कौन थे? आपने दंगल मूवी में देखा था कि गीता और बबीता, जो जिन्होंने कुश्ती में उन्होंने भी काफी नाम कमाया है, तो उनके जो पिताजी थे तो गीता और बबीता के साथ साथ विनेश को भी कुश्ती सिखाया करते थे। विनेश की बहनों को किस खेल में ख्याति मिली थी? विनेश की बहनों को कुश्ती के खेल में ख्याति मिली थी। विनेश कहाँ की रहने वाली थी? विनेश हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव की रहने वाली थी। तो विनेश है वो एक छोटे से गाँव की रहने वाली थी जो कि हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गाँव है। अब देखिए हम इसके लघु प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो देखिए जब विनेश के ताऊजी की बेटियां गीता व बबीता को प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो विनेश को भी इस खेल में रुचि बढ़ी। उसके ताऊजी ने भी उसे काफी प्रोत्साहित किया था। ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में क्या पुरस्कार मिला? तो ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, विनेश का परिवार कुश्ती को किस नजर से देखता था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उनके गांव में कुश्ती को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन जो विनेश का परिवार था वह कुश्ती को बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से देखता था, क्योंकि विनेश का जो परिवार था उन्होंने उन्हें काफी सहारा प्रदान किया था और उत्साहित किया था इस खेल में आगे बढ़ने के लिए। देखिए संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। विनेश के ताऊजी कैसे कोच थे, उदाहरण के साथ समझाइए। विनेश के ताऊजी कोचिंग देते थे तो ताऊजी ही नहीं उनके गुरु होते थे। ये बात हमने चैप्टर में पढ़ी थी कि विनेश के ताऊजी जब उनको कोचिंग देते थे तो काफी स्ट्रिक्ट थे, वो अनुशासन प्रिय थे, समय के पाबंद थे। तो वो बच्चों को सुबह जल्दी उठाते थे, 3:30 बजे जगा देते और खेतों के चक्कर लगवाते थे। खेतों में कम से कम 2.5 से 3 घंटे वो उनका खूब पसीना बहाते थे और उसके बाद उन्हें सिर्फ 1/2 घंटे का टाइम मिलता था आराम करने के लिए, और उसके बाद वे वापस कहाँ चले जाते थे? स्कूल चले जाते थे। स्कूल में उन्हें थकावट की वजह से नींद भी आने लग जाती थी। रविवार के दिन स्कूल की छुट्टी होती थी लेकिन ट्रेनिंग की छुट्टी नहीं होती थी। तो इस प्रकार उनके ताऊजी ने उन्हें काफी आगे बढ़ने में मदद की थी। इस खेल में आगे बढ़ने में विनेश को क्या दिक्कतें आई? तो विनेश को इस खेल में आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कतें गांव वालों को लेकर आई थी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि गांव वालों का नजरिया कुश्ती के प्रति कैसा था। तो गांव वालों के नजर में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं था। अकेली लड़कियों के लिए समाज का सामना करना कठिन होता है, लेकिन उन्हें अपने ताऊजी व परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। अब देखिए गांव में अगर कोई लड़की, एक लड़की आगे बढ़ना चाहती है लेकिन गांव में बाकी लोगों का नजरिया वैसा नहीं होता है, तो उस लड़के को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अगर इसके साथ भी कोई नहीं होता परिवार वाले, तो हो सकता है इसे भी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जीत क्या थी?
क्योंकि इसके ताऊजी और इनका परिवार उन्होंने इनको आगे बढ़ने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। और जब ये जीत कर आई तो सबसे ज्यादा गर्व इनके गांव के लोगों को ही हुआ था। विनेश का खेल व पढ़ाई के बीच तालमेल कैसा था? विनेश का खेल व पढ़ाई के बीच तालमेल बड़ा मुश्किल था। उसका सारा समय कुश्ती के अभ्यास में ही निकल जाता था। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उनका दाखिला हरियाणा के कॉलेज में करवा दिया गया। दाखिला का मतलब क्या होता है? एडमिशन। तो उनका एडमिशन हरियाणा के कॉलेज में करवाया गया था। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनके घर वालों ने उनके लिए कौन से विषय चुने हैं। वे सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। तो जब वो कॉलेज में हो गई थी तो वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, उनके ताऊजी इतनी उनको ट्रेनिंग देते थे कि वो समय से कॉलेज में नहीं जा पाती थी। उन्हें यहाँ तक सही तरीके से ये भी नहीं पता लग पाता था कि उनके घर वालों ने उनके लिए कौन से विषय चुने हैं, और सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही बैठती थी। तो इस तरीके से उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग के बीच में काफी संघर्ष चला था। अब देखते हैं हम दीर्घ प्रश्नोत्तर। विनेश के ताऊजी से लोगों ने कहा कि वे बेटियों को बिगाड़ रहे हैं, क्या आपको यह बात सच लगती है? कारण सहित लिखिए। विनेश के ताऊजी जब उन्हें कुश्ती सिखाते तो गांव वाले उनका विरोध करते थे, क्योंकि गांव वालों को क्या लगता था कि लड़कियां हैं वो कभी कुश्ती नहीं खेल सकती। गांव के लोगों का मानना था कि कुश्ती लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का खेल होता है। अब उनका क्यों मानना था? क्योंकि उनके ताऊजी वो उनको कुश्ती किनके साथ लड़वाते थे? लड़कों के साथ लड़वाते थे। वो छोटी छोटी निक्कर पहनकर फिर कुश्ती लड़ा करती थी, तो गांव वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि लड़के और लड़कियां साथ में खेलेगी तो कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे होते नहीं है तो उनमें उतनी ज्यादा समझ नहीं थी। तो वे उनको ताऊजी को हर बात में टोका करते थे और उनको इस चीज के लिए विरोध किया करते थे कि आप लड़कियों को बिगाड़ रहे हो। तो गांव के लोगों का मानना था कि कुश्ती लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का खेल है। वे ताऊजी को कहते कि क्यों लड़कियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेगी तो इनसे कौन शादी करेगा। अब लोगों के मन में क्या सोच थी कि लड़कियां कुश्ती खेलेगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, बल्कि लड़कियां तो सिर्फ घर में खाना बनाने और बर्तन साफ करने के लिए ही होती हैं। लोगों की ये सोच थी गांव वालों को कि लड़कियां वो शादी के बाद उनको घर का ही तो काम करना है, तो फिर आप उनको क्यों ये सब सिखा रहे हो। तो ये सब चीजें जब ताऊजी सुनते तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उन्होंने इन सब बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचा। लेकिन गांव वालों की ये ऐसी विचारधारा क्या थी? गलत थी, क्योंकि इन्हीं लड़कियों ने कुश्ती के खेल में ही पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहे तो वे हर कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है तो वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। क्या आपको लगता है कि कठिन परिस्थितियां लड़कियों के जीवन में अधिक आती हैं? तो देखिए, लड़कों को हर क्षेत्र में लड़कियों की अपेक्षा आजादी मिलती है। ये चीज तो हम आज के समाज में भी कुछ कुछ जगह देखते हैं कि आज समय इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी गाँव में हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि गाँव में आज भी लड़कियों पे पाबंदी होती है जबकि लड़कों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। लड़कियां हैं वो समय से घर के अंदर आ जाओ, टाइम से घर के अंदर रहो, रात के समय लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती, जबकि जो लड़के होते हैं वो बिना किसी समय के पाबंद के घर में आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने मित्रों के साथ घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनके लिए एक समय की पाबंदी होती है, वह समय से ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती है, है ना। तो ये आज भी अपने समाज में ऐसी कुछ कुरीतियां हैं, लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं कि लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा कम आजादी प्राप्त करती है। लड़कियों के अंदर जोश व कार्य के प्रति उत्साह हो तो वे कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकती हैं। लड़कियों के जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, कई बार तो प्रतिभावान होते हुए भी वे घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं। हम आज भी कई लोगों के ऐसे उदाहरण देखते हैं जो स्त्रियां काफी मेहनती हैं और वो आगे तक पहुंच सकती है, काफी पढ़ी लिखी भी है, लेकिन फिर भी वो अपने घर के पाबंदी के अंदर इतनी फंस जाती है कि वो सिर्फ एक घरेलू कार्यों में ही इन्वॉल्व होके रह जाती है। वो सिर्फ घर ही घर के कामों में फंस कर रह जाती है, वो अपने भविष्य को आगे नहीं बढ़ा पाती है।
लेकिन अगर वह हिम्मत ना हार कर, और फिर बाद में क्या धीरे धीरे उनमें हिम्मत टूट जाती है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, लड़कियों का जीवन तो सिर्फ घर के लिए ही होता है, उनके अंदर भी ये भावना घर कर जाती है। लेकिन नहीं, अगर वह हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ने का प्रयास करे तो उन्हें सफलता प्राप्त अवश्य होती है। नेक्स्ट देखिए, अपनी बुक पार्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। विनेश को बचपन से कुश्ती में दिलचस्पी थी। गलत। बचपन से उनको कुश्ती में नहीं दिलचस्पी थी। उनको दिलचस्पी कब हुई? जब उन्होंने अपने ताऊजी की बेटी गीता और बबीता को आगे बढ़ते हुए देखा। रविवार को स्कूल से छुट्टी होती थी लेकिन ट्रेनिंग से नहीं। राइट। पहले मैंने, फिर गीता दीदी, बबीता दीदी, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। गलत। इसमें क्या लिखा है? पहले मैंने, जबकि विनेश ने पहले नहीं कमाया था, पहले गीता और बबीता ने कुश्ती में नाम कमाया था। तो यहाँ पर इसकी सीरीज है वो रॉन्ग दी हुई है, तो ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाँ, क्यों नहीं बदला? लोग अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। यह किसने किससे कहा? यह बात विनेश फोगट ने कही थी। किससे कही थी? जो उसका इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे थे उनसे। कौन सी जगह बदल गई है? गांव है वो अब बदल गया है। यह बदलाव किस कारण हुआ? यह बदलाव विनेश और उनकी दोनों बहनों ने जब देश के अंदर अपना नाम रोशन किया तो गांव में ये सारा बदलाव हो गया। इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा है? इस बदलाव का प्रभाव ये पड़ा है कि अब गांव के सभी लोग अपने बच्चों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं, सभी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? कंजक्शन, है ना, यानी जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो दो शब्द हो, चाहे दो वाक्य हो या फिर दो वाक्यांश हो, उनको आपस में जो शब्द जोड़ते हैं तो उनको बोलते हैं समुच्चय बोधक। जैसे या, और, लेकिन, या, आदि। ठीक है, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जब वे हमें कोचिंग देते, अब देखो इसलिए यहाँ पे सेट करके देखो होता है क्या, जब वे हमें कोचिंग देते इसलिए ताऊ जी नहीं हमारे गुरु होते, नहीं, जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊ जी नहीं हमारे गुरु होते। नेक्स्ट देखिए, लड़कों को खेल सुनने की आजादी है लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं इसलिए मेहनत करती हैं। इसमें रीजन बता दिया ना, वो आगे बढ़ना चाहती है इस वजह से वो मेहनत कर रही है। गांव वाले कहते कि, गांव वाले क्या कहते, मतलब कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई तो गांव वाले कहते थे, अब आगे वो क्या बात कहना चाह रहे हैं, उससे पहले हमेशा आपकी छोटी की आएगी। आप छोटी की और बड़ी की में आप कंफ्यूजन होते हैं ना, तो वहां, यहाँ पर देखिए ये कंजक्शन कहाँ पर आएगा, जहां पर हम कोई बात कहना चाह रहे हैं तो मैंने कहा, क्या कहा, तो उससे पहले जो कंजक्शन आएगा वो आपकी छोटी की आएगी। तो गांव वाले कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल नहीं खेलना चाहिए। रास्ते निकालने होंगे वरना बैठे रहोगे, यानी अगर रास्ते नहीं निकलेगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा कि तुम बैठे रहोगे। तो जहां पे रिजल्ट वाली बात आती है वहां पे वरना लगाते। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित करके उसका काल भी पहचानें। मुश्किलें तो आती रहेगी, तो आती और रहेगी याद की क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन ये कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। आती रहेगी यानी अभी नहीं आ रही है, वो आगे तक आती रहेगी, कंटिन्यूअसली आती रहेगी, तो ये आपका भविष्यत काल है। नेक्स्ट देखिए, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया था, तो था शब्द देखते याद देखिए ये भूतकाल हो गया अपना, पास्ट टेंस हो गया। तो कमाया शब्द क्या होगा? अपना क्रिया, यानी उसने क्या किया था? नाम कमाया था, तो वो कमाया शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया? काल, भूतकाल। लोग अपनी, अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं, यानी वर्तमान में भी लोगों के अंदर ये भावना है, तो ये अपना वर्तमान है, जब चाहते हैं, यानी प्रेजेंट में ये काम हो रहा है, तो वहां पर होगा आपका वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, और सिखाना चाहते क्या होगा? आपकी क्रिया। नेक्स्ट देखिए, वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है, तो करना और लगता ये दोनों क्रिया में आएंगी, और इसका काल हो गया भूतकाल। तो इनको पढ़ाई करना अच्छा लगता था,
ये जो था है वो हमें कहाँ इशारा करता है, पास्ट टेंस की तरफ इशारा करता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के मुंह है यानी किन लोगों के मुंह है बंद हो जाते हैं, तो अभी ये प्रेजेंट की बात है, तो है वाला जो सेंटेंस है वो किस में आएगा, वर्तमान काल में, और जाते शब्द किस में आएगा, क्रिया में। अब देखिए नीचे हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, तो उनसे हमें भाववाचक क्रिया बनानी है। तो भाववाचक क्रिया संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया से बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा से क्या बनता है, बचपन, अपना से अपनापन, दिलचस्प से दिलचस्पी, सख्त, सख्त से क्या बनेगा भाववाचक, शक्ति, अकेला से अकेलापन, लड़का से लड़कपन, सिखाना से सीख, कठिन से कठिनाई, अच्छा से अच्छाई। अब ये शब्द है खाली अच्छा, ये कौन क्या चीज है, विशेषण, इससे हमने क्या भाव बना लिया, अच्छाई का भाव। कठिन एक शब्द है हमारे सामने जो कि विशेषण है, तो इससे हमने क्या बना लिया, कठिनाई, तो कठिनाई हमारा क्या हो गया, भाव हो गया, यानी कोई कार्य हमने कठिन लग रहा है, कठिनाई आ रही है, तो वो क्या होगा, भाव होगा। सिखाना, तो हमने इससे क्या सीख ली, तो सीख क्या हो गया, भाव हो गया। लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, कौन से संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इससे हमने क्या बनाया है, भाव बनाया है, तो लड़कपन क्या हो गया, भाव हो गया। उर्दू में जय और जय दोनों वर्णों का प्रयोग होता है, हिंदी में भी उर्दू के समान दोनों वर्णों से बने कुछ शब्दों का प्रयोग खूब किया जा रहा है, जैसे जर, मोज, जहान आदि, नजर और जोरदार। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर जय के नीचे नुक्ता लगा होता है और कुछ सिंपल वर्ड होते हैं, तो निम्नलिखित शब्दों में जय तथा जय वाले शब्दों को मिला दिया गया है, इनमें से केवल जिस जय के नीचे नुक्ता लगाए उनको ही छांट कर लिखना है और वहां पर नुक्ता लगाना है। देखिए इज्जत, तो अपने को पता है जय के नीचे नुक्ता आता है, तो एक तो ये शब्द हमारा क्या हो गया, ये शब्द हमारा हो गया नुक्ते वाला शब्द है ना, तो ये एक तो हो गया इज्जत। उसके बाद में एक है जहाज, तो एक जहाज हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए कमजोर, एक कमजोर, फिर उसके बाद में है कागज, कागज हमारा क्या हो गया, नुक्ते वाला शब्द। तो इज्जत, कमजोर, जहाज और कागज, बाकी जो ऐतराज, जानदार, जमा, नाराज और इलाज वाले शब्द हैं और जनाब, ये शब्द क्या है, सिंपल जय वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार हमारे आज की पीडीएफ कंप्लीट होती है। धन्यवाद।